हेलो यार, कैसे हो यार? सब के सब। तो देखो, आज की पेंटिंग का टॉपिक है ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है? और इन्वायरमेंट पे तुम मतलब दूसरे टॉपिक्स पे भी बना सकते हो इसको, ठीक है? तो देखो यार, जस्ट ना आपको सबसे पहले पोस्टर मेकिंग में बैकग्राउंड से स्टार्ट करना है, ठीक है? और ये मतलब एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहा हूँ मैं, और कोई भी सिंथेटिक ब्रश ले लो। बस देखो, ये फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, और कोई भी मोटे नंबर का, लगभग मतलब 12-13 या 8 नंबर का ऐसे मोटा ब्रश ले लो और उससे करो, ठीक है? अब देखो इधर ना, अभी थोड़ा सा फ्लैट ऐसे चला रहा हूँ मैं, पर अब देखो ये राउंड ब्रश लिया मैंने, ठीक है? ये 8 या 7 नंबर का होगा राउंड ब्रश, ठीक है? इससे देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, अलग अलग मतलब देखो, पहले डार्क टू लाइट आऊँगा मैं, मतलब डार्क से फिर मीडियम आऊँगा फिर लाइट आऊँगा। और ना ब्रश थोड़ा चलाने के तरीके को भी देखो कि मैं कैसे ब्रश चला रहा हूँ, ठीक है? जैसे देखो, थोड़ा राउंड राउंड कहीं, और थोड़ा ऐसे मतलब पागलों की तरह ब्रश चलाओ, बस ना उसमें थोड़ी ब्लेंडिंग प्रॉपर रखना। और येलो को एज अ मीडियम टोन देखो मैंने यूज़ करा है, बाकी देखो पीछे पिंक भी गया था, ऑरेंज भी गया था, फिर उन सबको येलो में मर्ज कर दिया। अब देखो थोड़ा थोड़ा देखो मैं मतलब ब्लेंड कर रहा हूँ ना ऊपर की ओर, देखो अब थोड़ा ब्लेंडिंग नहीं हुआ था इसलिए वापस से इसमें रेड थोड़ा सा मिक्स करके प्रॉपर ब्लेंडिंग देने के लिए करा मैंने। अब देखो अंदर की ओर आ रहा हूँ मैं, और अंदर देखो ब्लेंडिंग कर रहा हूँ प्रॉपर, ये देखो ध्यान से, है ना? हर जगह ब्लेंडिंग आपको रखना है, पर थोड़ा सा टेक्सचर भी दिखाना है, बिल्कुल ही प्रॉपर ब्लेंड मत कर देना, ऐसे थोड़ा मतलब फायर टाइप का टेक्सचर दे रहा हूँ मैं, ठीक है? उसमें ब्रश का ध्यान दो बस कैसे चला रहा हूँ मैं, ठीक है? अब देखो हर बारी तुम देखो, अंदर में कलर करता हूँ फिर अंदर से ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है? ये देखो अंदर से ऊपर जा रहा हूँ, है ना? और ब्रश को कैसे चला रहा हूँ, जैसे सांप चलते हैं ना, तो वैसे, तो इस तरह से ये वाला टेक्सचर आपको डालना है, ठीक है? और देखो और एक चीज़ बता देता हूँ मैं, ये ना जो ब्लू वाला बैकग्राउंड है इसमें भी आप सेम प्रोसेस यूज़ करोगे, ठीक है? जैसे देखो अभी तो जस्ट मैंने ब्लू अप्लाई करा, और उसके बाद लाइट टू डार्क की तरफ आ रहा हूँ मैं, ठीक है? लेकिन ना शीट को वैसे ही आप पलट देना, ठीक है? और फिर उसके बाद जैसे मैंने बिल्कुल वो करा ना ऊपर वाला बैकग्राउंड, जैसे डार्क फिर उसके बाद उससे लाइट फिर उससे लाइट फिर येलो फिर वाइट, आपको ऐसे ही इधर करना है। आपको यहाँ पे मतलब ऊपर की ओर जैसे डार्क करना है, ब्लैक करना, उसके बाद फिर देखो अभी दिखाता हूँ ये चीज़। अब देखो अब ऊपर ब्लैक करूँगा मैं, ठीक है? आप ऐसे स्टार्ट करना, असल में ऊपर ब्लैक करना, फिर उसके बाद इसमें पर्शियन ब्लू मिक्स करना, ये पर्शियन ब्लू है, ठीक है? आपको ना आपको एक्रेलिक के डब्बे में जो कलर मिलेगा वो आपको वो मिलेगा, मतलब एक बेकार सा ब्लू होता है ऐसे ही, ठीक है? उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, तो वो वाला ब्लू मिलता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो मतलब, पर मुझे पर्शियन ब्लू यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो थोड़ा अजीब सा ही कलर होता है यार, चमकता चमकता सा है वो, तो इसलिए वो यूज़ नहीं करता मैं, ठीक है? तो आप मतलब ये ले लेना, तो आप यूज़ कर सकते हो ये वाला, बहुत अच्छा लुक आता है इससे इसलिए। और फिर देखो वाइट में टेक्सचर भी डाल रहा हूँ मैं ऐसे वाला, थोड़ा देख रहे हो ब्रश कैसे चला रहा हूँ मैं, तो वैसे। और मतलब आप जैसे आपने नीचे ऑरेंज वाला बैकग्राउंड किया ना पूरा, वैसे ही आप कर सकते हो वैसे। देखो अब इसमें भी मैं अंदर से ऊपर की ओर जाऊँगा, मतलब लाइट टू डार्क जाऊँगा, देखना ये देखो लाइट से ऊपर की ओर जा रहा हूँ मैं डार्क, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। और इधर देखो अब नीचे वाला जो बैकग्राउंड है ना उसमें ना ये कलर मिलाना है आपको, ठीक है? दोनों बैकग्राउंड को भी मिक्स करना ना थोड़ा, और टेक्सचर वाला मिक्स आना चाहिए, मतलब बहुत प्रॉपर ब्लेंडिंग नहीं, बहुत कम ब्लेंडिंग नहीं, ठीक है? ऐसे आपको करना है, देखो ऐसे ऐसे करके ब्रश देखो कैसे चला रहा हूँ, उसके अंदर डाल रहा हूँ मैं कलर, देखो हल्का हल्का, तो ऐसे करना है, ठीक है? अब ये थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की ब्लेंडिंग डाल दो इसमें, ठीक है? ये ऐसे थोड़ा, ठीक है? तो आपको ऐसे करना है बिल्कुल। देखो यहाँ पे ना मैं ये कलर जो यूज़ करूँ ये लाइट ग्रीन कलर है, और ना ये एक्रेलिक के डब्बे में नहीं आएगा, तो आप शॉप पे बोल के ले सकते हो, ये उनको बोल देना कि लाइट ग्रीन कलर मतलब चाहिए, तो वो सेम ही रेट में दे देते हैं, ठीक है? तो आप लाइट ग्रीन या फिर अलग से परचेज़ कर लो, या तो अगर आपके पास नहीं है तो आप सीधा ग्रीन और येलो को मिक्स करो, क्योंकि मैं जस्ट ऐसे ही यूज़ करता हूँ ये, ताकि मतलब पेंटिंग में एक अलग सा कुछ लुक आए, ठीक है? क्योंकि बाकियों ने भी सेम ही कलर्स यूज़ कर रखे होते हैं, तो मैं कुछ अलग कलर यूज़ करूँ तो शायद अट्रैक्ट करे वो जज को, ठीक है? इस वजह से मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है? अब देखो ये जो ये है ना, ये अर्थ ऐसे पिघल रहा है, ठीक है? और ना वो पिघलता हुआ कैसे दिखाएंगे हम, जैसे ब्लू कलर करेंगे और उसमें फिर ना थोड़ी सी जगह छोड़ के, देखो लेफ्ट से थोड़ी सी जगह छोड़ के मैंने वाइट अप्लाई करा है, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान देना, तभी 3D लुक आएगा, वरना अगर आप बिल्कुल ही लेफ्ट में कर दोगे तो 3D लुक नहीं आ पाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान देना, ठीक है?
और बाकी फिर चीज़ें देखते जाओ और बनाते जाओ, ठीक है। अब देखो इसमें भी जैसे ये जो करा मैंने रेक्टेंगल सा, इसमें पहले आउटलाइन दिया, उसके बीच में फिर देखो डार्क टू मीडियम है उसमें भी, और लाइट, सॉरी डार्क टू लाइट है उसमें भी जो ऊपर किया। मतलब बस आपको ना पूरी पेंटिंग में एक चीज़ करना होता है, डार्क टू मीडियम, फिर मीडियम टू लाइट, बस डार्क टू लाइट मतलब आना होता है हर पेंटिंग में, ठीक है। और फिर थोड़ी बहुत डिटेलिंग होती है और थोड़े स्किल्स भी मैटर करते हैं, वो तो आप देख के आप करोगे तो मतलब वो थोड़े बहुत स्किल्स आप सीख जाओगे। बस आपको ना हर पेंटिंग में डार्क टू लाइट आना होता है, इस चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। जैसे देखो ये ब्लू भी मैंने करा है तो इसमें भी कहीं डार्क है, कहीं मीडियम है, कहीं लाइट है, ठीक है। और फिर लास्ट में हल्की बहुत डिटेलिंग कर दिया करो, ठीक है। जस्ट इतना करना है आपको पूरी पेंटिंग में। देखो यार तुम्हें और एक चीज़ बताता हूँ मैं, जब भी तुम पता है पेंटिंग करते हो ना, पोस्टर मेकिंग, तो ना तुम्हें उसमें ना कॉम्पोजिशन का बहुत अच्छा ध्यान देना होता है। जैसे आपको ना मतलब बिल्कुल ऐसे करना होता है जिससे कि ना आपकी पेंटिंग पूरी बैलेंस्ड लगे, ये नहीं कि अचानक ही कोई चीज़ कहाँ से आ गया, ठीक है। जैसे मतलब मैंने किया तो मेरी पेंटिंग को देखना आप कभी भी, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि यार ये चीज़ अचानक ही कोई चीज़ चुभ रही है, मतलब बीच में अचानक इधर उधर सा ऐसे डूल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं लगेगा आपको। तो आपको भी इस तरह से कॉम्पोजिशन सेट करना है, ठीक है, और ख़ुद से आपको सोचना है। और वैसे तो मैं मतलब ऐसे ही करता हूँ जो सोच के करता हूँ, तो आप मेरी देख के कर सकते हो, लेकिन ये ना हो कि कॉम्पिटिशन में आपके साथ कोई साथ वाला बंदा सेम वही पेंटिंग कर रहा हो, तो थोड़ा बहुत ऐसे चेंज कर दिया करो। और वैसे अगर आप जस्ट देख रहे हो, कम व्यूज़ हो ना उस पर, तो आप कर सकते हो आराम से, क्योंकि वो फिर कम ही बंदे देख रहे होंगे। लेकिन अगर ज़्यादा व्यूज़ हो तो फिर चांसेस हो सकते हैं कि आपकी तरह कोई और भी पेंटिंग कर रहा हो साइड में। तो एक कॉम्पिटिशन था उसमें, क्योंकि फर्स्ट प्राइज़ मतलब एक बंदे ने भेजा था मेरे को इंस्टाग्राम पे, तो उसमें फर्स्ट प्राइज़ उसका था और फिर थर्ड प्राइज़ भी था, वो भी मतलब एक ने मेरी पेंटिंग देखी थी ओजोन वाली। तो फिर मतलब दोनों की दोनों पेंटिंग ना लगभग मतलब मेरी उससे थी, बस उन दोनों ने सेम पेंटिंग नहीं की इसलिए वो मतलब बच गए। सोचो अगर सेम करते तो फिर एक कोई प्राइस मिलता है ना, और फंस भी जाते कि मतलब पूरा देख के बनाया है, इसलिए थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। वैसे नहीं करना तो मत भी करो, ठीक है, क्या पता मतलब ना भी बनाए, ठीक है। तो और 11 के सब्सक्राइबर हो तो यार मतलब थोड़ा मुश्किल ही है ऐसे मैच होना, ठीक है, तो देख लेना। बाकी इतना ही था। और हाँ और एक चीज़ है, पेंटिंग का मतलब आपको समझा देता हूँ मैं। देखो जैसे ये बीचों बीच अर्थ है, ठीक है, तो ना इस पर इतना पोल्यूशन हो रखा है कि ये पिघल रहा है, और पिघल के ना मतलब जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, और मतलब नीचे पिघल के ना सारा पानी देखो नीचे ऐसे बिल्कुल इकट्ठा हो गया, और उसमें उसमें ही वाटर पोल्यूशन भी दिखा दो, ठीक है, साथ के साथ। और ना ऐसे एक जानवर सील टाइप है वो मर रहा है, ठीक है, मरा हुआ है मतलब ऐसे, मतलब उसकी भी हालत ख़राब हो गई है ऐसे, ठीक है, मतलब जैसे वो बर्फ़ पे आराम करता होगा, पानी में तैर, बाद में बर्फ़ तो पिघल के सारे फिर पानी में तैर रहा होगा इधर उधर, तो फिर तैरता तैरता थक गया और टपक गया ऐसा, या फिर पोल्यूशन से टपक गया, ठीक है। दोनों में मतलब तुम कुछ भी ऐसे कर सकते हो, शो मतलब बोलते वक्त तो यार एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो कुछ भी बोल दो, ठीक है, मतलब उधर इधर तो मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी पोल्यूशन वगैरह दिखा दिया तुमने। अब देखो ये हाथ है ना, ये क्या है, ये हमारा ओजोन लेयर है असल में, ठीक है। और उसके ऊपर ना अगर तुम देखो ये चीज़ें जैसे विंड मील यूज़ करो, पेड़ वगैरह लगाओ और सोलर प्लेट्स वगैरह यूज़ करो, तो तुम अर्थ को बचा सकते हो। जैसे ये ओजोन लेयर बता रहा है कि तुम कैसे ओजोन लेयर को ऐसे तगड़ा बना सकते हो, ठीक है, और फिर सन रेज से बचा सकते हो, ठीक है। और ये हरकत जो हम कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, उससे डिप्लीट हो रहा है हमारा अर्थ, ठीक है। जैसे
कार से पोल्यूशन छोड़ रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उससे थोड़ा सा मतलब ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है और उसकी वजह से अर्थ की ऐसी की तैसी हो रही है। ठीक है, तो ऊपर ना एक सन भी दिखा देना तुम, ठीक है, वो लास्ट में बनाऊंगा मैं सन, तो सन भी दिखा देना, ठीक है। और देखो यार, बॉटल के नीचे जैसे ना मैं ये ऐसे हॉरिजॉन्टल तीन लाइंस डाल रहा हूँ ना, तो जब भी तुम किसी चीज़ की परछाई देते हो ना, तो उसके नीचे ऐसे लाइंस डाला करो, ठीक है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस डाला करो, ठीक है, तो उसकी परछाई पता लगती है पानी में, ठीक है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना तुम। अब देखो यार, अब ना ये जो सनरेज़ मैं बनाऊंगा, इसमें पानी मिक्स्ड है, याद रखना, देखो येलो और पानी को मिक्स करके करा हुआ है, इस वजह से थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप लग रहा है, ठीक है। चलो यार, अब पेंटिंग कंप्लीट होने वाली है लगभग, और मैं ये डिटेलिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो ये डिटेलिंग आप भी कर देना जैसे जैसे कर रहा हूँ मैं। और बाकी आप मेरे को यार, अगर आपको कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और या फिर आप मतलब पेंटिंग ये वाली करो तो वो भी सेंड कर सकते हो, वहाँ पे मैं स्टोरी वगैरह लगाऊंगा, और ज़्यादा फॉलोअर्स है नहीं, ठीक है, तो इसलिए मतलब स्टोरी पे लगाऊंगा, पर हाँ ये जितने भी हैं फॉलोअर्स, तो सारे पेंटिंग वाले ही हैं, तो इसलिए फिर मतलब सारे पेंटिंग वाले ही देखेंगे आपकी पेंटिंग, ठीक है। और बाकी आपको फॉलो वगैरह कर सकते हैं, वो तो आप देख लेना वो जैसे भी करें। चलो ठीक है यार, थैंक यू सो मच, बाय।